भाई देखिए आपकी तो फिर। हेलो हेलो। मैं हो गया 30 को ही आ गया था। सब बढ़िया खैरियत। हेलो हेलो हेलो। थोड़ा लाइव जा रहा था मैं भी। हो जाऊँ तो फिर आप थोड़ा वेट करो, मुझे टाइम लगेगा। कुछ आज नया टॉपिक था, कुछ पढ़ा रहा था मैं। कल मिल लो, शाम को मिल। नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं। इस बार कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, तो कुछ बच्चों का कुछ पता ही नहीं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वैसे काफ़ी लोग सोच रहे होंगे विदाउट इन्फॉर्मिंग मैं यहाँ पर आज ऑनलाइन हूँ, लाइव पे हूँ। काफ़ी दिन बाद ऐसा लगा कि एक बार फिर आपसे रूबरू होना चाहिए। शायद मेरी आवाज़ जो है आप तक पहुँच रही है, सो काइंडली अपडेट मी। और एक इशू है जो बड़ा पॉपुलर हुआ है, उस इश्यूज को लेके आज थोड़ा मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। काफ़ी पॉपुलर इशू है और मैं यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल मुद्दे को कवर नहीं करने वाला। हमारा जो भी लॉजिक है वो यूपीएससी एग्ज़ाम्स को लेकर है। तो 2-4 मिनट रुक जाते हैं, आप में से जितने भी लोग हैं कनेक्ट हो जाएं। आज का जो इशू है वो है टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस जा रही है आप सबके पास, तो काइंडली अपडेट मी। आज का जो इशू है वो है टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इस इशू के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल अर्णव गोस्वामी या
उनके प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं है। यहाँ पर हम उसके टेक्निकल डायमेंशन को कवर करने वाले हैं, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट में किस तरह के इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। टीआरपी इश्यूज से जुड़ा जो पीडीएफ है वो मैं आपको दे देता हूँ, आप उसे ले लें। और उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर लें, टीआरपी पीडीएफ, जिस इशू को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टीआरपी के इश्यूज को लेकर हम लोग यहाँ बात करेंगे और उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ जो है वो आप तक जा रही है। ओके, सो काइंडली अपडेट मी फास्ट, जो भी सेटिंग वगैरह करनी थी आई हैव डन। Okay, Shailesh, just give me 2 minutes.
चीज़ें हैं। देखिए टीआरपी जो इश्यूज है वो है क्या, टीआरपी को हम कहते किस नाम से हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, और पिछले कुछ दिनों से ये काफी डिस्कशन में भी रहा है ये टॉपिक। इसको ठीक से देखेंगे, इनमें कौन कौन से पहलू हैं इन पे भी थोड़ी से डिस्कशंस करेंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स में कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से इश्यूज हैं और किस तरह के डिबेट्स हैं, इसको लेकर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मैं डॉक्टर रवि गढ़ी आप सबका पूर्वांचल इसके प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूँ, जहाँ पर आपको फेस टू फेस और ऑनलाइन दोनों ही कक्षाएं हम आपको देते हैं। आज मैं आपको जो भी क्लास ले रहा हूँ वो डायरेक्टर रूम से ले रहा हूँ, पूर्वांचल IAS गोरखपुर से। सो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसमें बहुत सारे क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में मुख्य परीक्षा के लिए बनेंगे, अगर आप UPSC मेंस परीक्षा के लिए इस बार जाते हैं, या इसके अलावा आप प्रीलिम्स में भी जाते हैं, इवन जो स्टेट PCS भी होने वाले हैं या आगे आने वाले वर्षों में। सो ये ऑनलाइन जो भी क्लासेस हैं, ये जो PDF है, इसके लिए मैंने आपको अभी बोला है कि आप पूर्वांचल इसके टेलीग्राम ग्रुप से इस PDF को डाउनलोड कर लें। ये PDF मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया है और इसीलिए मैं थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ हूँ सारी प्रोसीजर्स को करने में, क्योंकि ये PDF आपको चाहिए, जिस PDF को मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप पूर्वांचल इस ऐप को इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल फ़ोन में, आप पूर्वांचल ऐसी सारी क्लासेस अब देख सकते हैं। साथ ही साथ साइंस टेक और इन्वायरमेंट का मॉड्यूल भी अवेलेबल है, आपको उस ऐप पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप GS, UPSC और स्टेट PCS के भी कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप उस ऐप के थ्रू ले सकते हैं। जो लोग भी मुझे इससे जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम से इस PDF को ले लें। देखिए TRP एक्चुअल में होती क्या है, TRP टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं, ये आज के समय के लिए क्यों बोले, अगर देखें तो बहुत पहले से ये इम्पोर्टेंट रहा है आज के समय में, तो फिर ये डिस्कशन हुआ है, फिर ये न्यूज में आया है। फिर ये न्यूज में आया है इसलिए फिर ये पॉपुलर है, और कहीं ना कहीं टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट जिसको आप TRP कहते हैं, ये एक तरह का क्राइटेरिया है जो जनरली ऑडियंस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि ऑडियंस टेलीविज़न में किस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, किस चीज़ों को देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, तो उनके बारे में जानने के लिए इस TRP का यूज़ किया जाता है। इवन अगर हम वास्तविक रूप में बात करें TRP है क्या, तो TRP जो है दोस्त कहीं ना कहीं जो भी टेलीविजन्स में डिफरेंट चैनल्स हैं ये इसको यूज करते हैं अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए। खास तौर से बोलूँ तो इसका मॉनेटरी बेनिफिट्स उन चैनल्स को होता है। कैसे होता है, अब अगर TRP के थ्रू किसी चैनल्स पर ये पता चले कि इस
की टीआरपी ज्यादा है। टीआरपी का मतलब है कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट इसका बहुत अच्छा है, यानी इसके ऑडियंस बहुत ज्यादा हैं, इसको ज्यादातर लोग देखना पसंद करते हैं। तब आप बोलोगे सर इससे उस चैनल को फायदा क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट। कोई भी कंपनी हमेशा कंज्यूमर्स ढूंढती है, कोई भी कंपनी कंज्यूमर ढूंढती है, तो वो कंज्यूमर क्या करेगी उस प्लेटफॉर्म पर यानी उस चैनल के पास जाएगी और उसको क्या देगी? एडवर्टाइजमेंट देगी। तो कहीं ना कहीं उस कंपनी का एक मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है और कहीं ना कहीं एक साख भी है। वो चैनल जो है अपने आप को शो करने की कोशिश करता है, आई एम द बेस्ट अमंग ऑल चैनल्स। तो ये कुछ टीआरपीज हैं, टीआरपी के बारे में जिसके बारे में बात कर रहा हूं। इन इश्यूज को लेकर बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। ओके, सो हर कंपनी ये कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचे और इसके लिए कहीं ना कहीं वो चैनल्स की टीआरपी के हिसाब से कंपनी उनको एडवर्टाइजमेंट देती है और अपने प्रमोशंस को करती है। और इसमें कहीं ना कहीं टेलीविजन इस एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। ओके, तो अब कंपनीज जो डिफरेंट तरह के एफर्ट्स लेती हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो किसके बेस पर होती हैं? किसी चैनल की टीआरपी के बेस पर। और आज जानते हैं कि हर घर घर में टेलीविजन उपलब्ध है, सो टेलीविजन एक अच्छा जरिया है। आपको बताऊंगा टीआरपी के लिए कैसे क्या किया जाता है, क्या क्या चीजें हुई हैं, ये सारे डिस्कशन हम यहां पर धीरे धीरे थोड़े टेक्निकल पार्ट्स में भी हम एंटर करेंगे। टीआरपी क्या है? टीआरपी से किसी भी चैनल की अपनी पॉपुलैरिटी पता चलती है, उस चैनल की पॉपुलैरिटी कितनी है, और चैनल के साथ साथ उस चैनल के अंदर अगर कोई प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम की भी पॉपुलैरिटी पता चलती है कि मतलब इस चैनल में किस प्रोग्राम को एक्चुअल में लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, कपिल शर्मा, ये कुछ ऐसे चैनल्स के प्रोग्राम्स हैं जिनकी टीआरपी आपको अक्सर देखने में मिलेगी कि ज्यादा है, अक्सर देखने में ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर लोग ज्यादा जाते हैं, इन जगहों पर उस समय लोग ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। और यहीं पर देखिए तो जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ज्यादा होते हैं, तो उन चैनल पर उस एपिसोड के टाइम में जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसे कास्ट भी ज्यादा होते हैं, तो उन चैनल को उसका फायदा होता है। ओके, उन चैनल्स को उसका फायदा होता है। और बात करते हैं टेलीविजन में, अगर आप टीआरपी देखते हैं उससे कुछ चीजों के बारे में और पता चलता है कि जो इंडिया है उसकी वॉचिंग हैबिट क्या है और किस तरह की चीजों को देखना भी पसंद करता है। और खास तौर से हम देखें तो इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में भी काफी हद तक पता चलता है। तो टीआरपी कई डायमेंशन में कई तरीके से हेल्प करता है। और टीआरपी वैसे ही बोलूं तो एक ऐसे का भी सब्जेक्ट, एक विषय बनता है, तो आप इस टॉपिक को पूरी तरह से ऐसे के लिए भी तैयार रखें। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस पीडीएफ को आप पूर्वांचल एस के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें, आप वहां पे ले लें इसे। टेलीविजन रेटिंग एक्चुअल में एक सिस्टमैटिक तरीका है, एक साइंटिफिक अप्रोच है और एक तरह का रिसर्च है ऑडियंस के बारे में जानने के लिए कि ऑडियंस को क्या चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, उसके बेसिस पर टीआरपी मैनेज की जाती है। और आगे बढ़ते हैं टीआरपी को लेकर, अगर हम इसकी हिस्ट्री पर जाएं तो 1942 में नेल्सन्स ने सबसे पहले एक तरीका अपनाया जिसके लिए इन्होंने ऑडीमीटर का उपयोग किया। ऑडीमीटर आपको बताऊं तो ये मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी है जो यूएस की है, उन्होंने एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया था और उस मैकेनिकल डिवाइस की मदद से उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि लोगों को कितना इंटरेस्ट है किन चैनल्स को देखने के लिए और उन चैनल्स में किस प्रोग्राम को जानने के लिए। इसमें करते गए थे कि इस ऑडीमीटर को ऑडी कहीं ना कहीं ऑडियो से बनता है, उसके रेडियोज वगैरह जो होते थे, आवाज वगैरह जो निकलते थे, जो टेलीविजन वगैरह में या जिस तरह की चीजें जो हम यूज कर रहे हैं तो उनमें लगा दिए जाते थे, तो वो उनकी उनकी रिकॉर्डिंग कर लेती थी छोटी सी, जैसे टेप नहीं होता था, टेप रिकॉर्डर पुराने जमाने में हम लोग यूज करते थे, उसमें बात दब हो जाती थी, उसी तरह की ये सिस्टम था जो काम कर रहा था। तो उससे कहीं ना कहीं जो नेल्सन है, आगे चलकर ये काफी पॉपुलर भी हुआ, एसी नेल्सन एक कंपनी के फॉर्म में भी आया,
और उसके बाद नेल्सन के अलावा एक और कंपनी बाद में आई जिसका नाम था आर्बिट्रॉन। वो अलग बात है, आर्बिट्रॉन बाद में चलकर विड्रॉ हो गया और नेल्सन बड़ा पॉपुलर हुआ और टीआरपी को लेकर ही इसने काफी बड़े बड़े काम किए। 1958 में आर्बिट्रॉन भी आया, उसने एक पीपल मीटर डेवलप किया और उसको लगाया, पीपल मीटर के नाम से जानते हैं, डेवलप किया उसको लगाया और उसकी रीडिंग जो है इंस्टेंटली रुक रुक कर थोड़े थोड़े समय पर जाकर उसकी जानकारी ली। फाइन, उसमें था क्या, किस तरीके से था, वो सब चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है अंदर, लेकिन हाँ एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इन दोनों के बीच एक कंपटीशन बन गया। इस आर्बिट्रॉन और नील्सन, ये दोनों के दोनों जो टेक्निकल या जो तरीके अपनाते थे टीआरपी को मतलब पता करने के लिए या उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इनके बीच में कंपटीशन चलने लगा काफी हद तक। इवन आपको बताऊं तो अमेरिका गवर्नमेंट ने भी एक इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट रेटिंग काउंसिल, एक इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट रेटिंग काउंसिल स्टैब्लिश किया जो कहीं ना कहीं रेटिंग सर्विसेज को मॉनिटर करने के लिए था। मतलब इसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अमेरिका गवर्नमेंट ने भी एक ब्रॉडकास्ट रेटिंग काउंसिल बनाया। फाइन, आगे अगर हम बात करें इसी हिस्ट्री ऑफ रेटिंग में टीआरपी के बारे में बात करें तो ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म है जिसका नाम है एजीबी, एक ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म है जिसका नाम है एजीबी। ओके, इसने भी एक तरह का पीपल मीटर डेवलप किया। अभी बताता हूं मैं पीपल मीटर एक्चुअल में होता क्या है, आपको लेकर अभी हम बात करते हैं। इसने भी एक पीपल मीटर लगाया, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि टेलीविजन वगैरह में ये क्या करते हैं कि कुछ डिवाइस लगा देते हैं, एक्चुअल में उसी डिवाइस की बात हो रही है, पीपल मीटर वगैरह की। तो उसको भी टेस्ट किया और नील्सन एजीबी ये सब मिलकर जो कंपनी है, जो एसी नील्सन बड़ा पॉपुलर हुआ आगे चलकर, इन लोगों ने मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी लॉन्च किया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लॉन्च किया जो मार्केट में लेकर भी ये लोग आए। वो अलग बात है कि पूरी तरह से नील्सन ही रहा जो आगे बढ़ा, बाकी जो कंपनियां शुरू में आई थी वो धीरे धीरे हट गई। मैं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं ये चीजें कैसी थी। बात होती पीपल मीटर एक्चुअल में है क्या जो लगाया जाता है, ये पीपल मीटर है क्या जो लगाया जाता है। पीपल मीटर जो लगाया गया, नेल्सन ने लगाया, एजीबी ने लगाया, जो भी इन लोगों ने लगाया, ये एक्चुअल में होता क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ओके, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जनरली इसको पिक्चर ट्यूब में लगा दिया जाता है। ओके, देखा होगा पहले जमाने में जो टीवी आती थी इसको सीआरटी टीवी बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब। उसमें क्या होता था, पीछे एक पिक्चर ट्यूब होता था लंबा सा, देखा होगा पिक्चर ट्यूब होता था, तो इसमें लगा दिया जाता था और ये क्या करता था कि रिकॉर्डिंग्स करता था, छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स करता था, रिकॉर्ड्स करता था डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को उन चैनल्स के बारे में। ओके, उन चैनल्स के बारे में जिन चैनल्स को वहां पर देखा जाता था। अच्छा, जो चैनल्स हम देखते हैं ना वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पर आ रहे होते हैं, इसलिए हम उस फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट तरह की सेटिंग करते हैं, चैनल्स बदलते हैं, गॉट इट। तो कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग थी उसकी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग या पीपल मीटर करते हैं। तो पीपल मीटर करते क्या हैं, जो चैनल्स चल रहे होते हैं उनके इंफॉर्मेशन को लेते हैं, कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर करते हैं, फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर करते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज पर जो चैनल्स आते हैं। जैसे हम लोग जब एफएम भी देखते हैं तो एफएम में क्या करते हैं, एफएम में भी हम लोग डिफरेंट तरह के चैनल सेट करते हैं, 98.6 या कुछ भी, एग्जैक्टली उसी तरह टेलीविजन में भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स आते हैं जिनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स करते हैं। ओके, तो ये पीपल मीटर जो होते हैं फ्रीक्वेंसीज के चैनल्स की मेजरमेंट्स कर लेते हैं, किस फ्रीक्वेंसीज पे किस तरह की चीजों को इस टेलीविजन में देखा जा रहा है, यानी इस फ्रीक्वेंसी की वजह से वो चैनल्स वहां पर उस घर में ज्यादा देखा जाता है। तो इस तरह की चीजों को यहां पर यूज करते हैं पीपल मीटर। ओके, लेकिन मैं बताऊं जो पीपल मीटर वगैरह जो हम लगाते हैं ना, इसके लिए उस घर में जो भी आपका मुखिया होता है ओके, उससे परमिशन भी लेना होता है, क्योंकि वो आपकी सीक्रेसी भी होती है, आप किस तरह के चैनल आप देखना चाहते हैं या क्या चीजें हैं, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। आप क्यों चाहेंगे कि आप किस तरह के, भाई हो सकता है आप कोई बड़े चैनल देखना चाहते हैं, बड़े चैनल मतलब आप एडल्ट हैं या उस तरह की चीजें कुछ देखना चाहते हैं, या बच्चे हैं कार्टून्स देखना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप नहीं चाहते कि आपकी पर्सनल चीजें हैं जो वो डिस्क्लोज हो। तो यहां पर आपके परमिशन देने पर ही इस तरह की चीजें होंगी जिसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। ओके, ये चीज भी यहां ध्यान देने की बात है।
ओके गॉट इट, और आगे बढ़ते हैं। अब दुनिया में अगर हम बात करें कि रेटिंग्स को मेजर करने के लिए किस किस तरह के तकनीकी हैं, टेक्निक्स हैं जो डेवलप किए गए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुल दुनिया में 5 types ऑफ टेक्निक्स हैं जो टीआरपी को मेजर करने के लिए यूज में लाया गया। अब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, एक जिसको हम कहते हैं टेलीफोन फैसिलिटी। ओके, काफी डिटेल में मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, पूरा टाइम लेकर एक टॉपिक को। ओके, दूसरा जिसको हम कहते हैं डायरी सिस्टम, दूसरा जिसको हम कहते हैं डायरी सिस्टम, तीसरा जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैचिंग टेक्निक, चौथा जिसे कहते हैं पिक्चर मैचिंग टेक्निक, और पांचवा जिसे कहते हैं जीएसएम मॉडम बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये कुल 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन तरीकों को या 5 तरीकों को यूज में लाया गया जनरली पूरी दुनिया में टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को चेक करने के लिए कि कौन सा चैनल आप ज्यादा देखना पसंद करते हैं और किस चैनल में कौन सा प्रोग्राम। तो 2 चीजें पता चलते हैं, एक तो चैनल पता चलता है और दूसरा चैनल के साथ कौन सा प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं उसके बारे में भी पता चलता है। और आगे बढ़ते हैं, टेलीफोन फैसिलिटीज ये क्या है। देखिए टेलीफोन फैसिलिटी में क्या करते हैं कि आपको एक टेलीफोन कॉल किया जाता है, फाइन, टेलीविजन रेटिंग्स को चेक करने के लिए आपको एक टेलीफोन कॉल किया जाएगा और आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाएंगे फोन के थ्रू, आपसे फोन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, क्या कलेक्ट किए जाएंगे, भाई आप पर्टिकुलर कौन सा प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। ठीक है, और ये एक ऑर्डर बेसिस पर होगा, एक इंटरवल ऑफ डे में, हर इंटरवल ऑफ डे के बाद आपसे कॉलिंग की जाएगी, आपसे चीजों के बारे में पूछा जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ जाएगी कि किस प्रोग्राम की पॉपुलरिटी कितनी है और लोग कितना ज्यादा देखना पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं। गॉट इट, देखना पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं उसके बारे में आपको पता चलता है, फाइन। लेकिन यहां पे कुछ लिमिटेशंस हैं। मान लीजिए जो व्यूअर्स है या लिसनर्स है उसके पास टेलीफोन नहीं है, गॉट इट, टेलीफोन नहीं, पहले जमाने में टेलीफोन कहां हुआ करते थे, ओके, बहुत कम हुआ करते थे। और मान लीजिए टेलीफोन ओनर जो है वो आपको नहीं बात करना चाहता है, बहुत इरिटेट है गया, आपको गुस्सा हो गया, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपसे बात नहीं करना चाहता है। तो इन ऑल दीज केसेस में अगर हम बात करें तो यहां पर टेलीफोन के थ्रू टीआरपी पता कर पाना इट वॉज नॉट ईजी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क, जो आप समझ सकते हैं, गॉट इट, जो आप समझ सकते हैं, फाइन। तो यहां पर आपको बहुत सारे लिमिटेशन भी थे। दूसरा एक सिस्टम आया, भाई ठीक है डायरी सिस्टम लाते हैं, तो इसमें जो कंपनियां होती थी वो क्या करती थी, आपके घर में एक डायरी दे दिया करती थी। ओके, तो दूसरा टीआरपी का एक दूसरा तरीका जिसको हम कहते हैं डायरी सिस्टम, डायरी सिस्टम में क्या था, कंपनीज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी एक छोटी सी डायरी और कहती थी भैया ऐसा करो हर दिन ना आप 2-4 मिनट 5 मिनट लेकर और डायरी जरा भर दिया करो, डायरी भर दिया करो कि मतलब आपने आज क्या प्रोग्राम देखा, कितनी देर देखा, आप क्या देखना पसंद करते हैं, ओके, उसके अंदर कौन से चैनल में कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, एवरी इंफॉर्मेशन आप भर दिया करें, भर दिया करें। ठीक है, और इसमें खास तौर से एक ऑप्शन होते थे, चैनल का नाम भरना होता था, प्रोग्राम नाम भरना होता था, किस टाइम में, आपके घर में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है कितने उसको वॉच कर रहे हैं, ये सारा का सारा आपको एक डायरी भरना होता था। ओके, तो इस तरह की चीज है एक डायरी सिस्टम के थ्रू भी आप, लेकिन डायरी भी भरना इट वॉज वेरी टीडियस जॉब, यहां पर भी बंदा जो था वो उलझा रहता था, बंधा रहता था कि पूरी तरह से उसे ये काम करना पड़ता था, तो ये भी उतना आसान काम नहीं था, गॉट इट, काफी टाइम कंज्यूमिंग था, फाइन। और इतना टाइम आज के जमाने में लोगों के पास है कहां, पहले तो फिर भी हुआ करता था, अगर आज इस तरह की चीजें चलेंगी तो आप देखोगे आपके पास इस तरह की चीजें बहुत ही, मतलब इट विल हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज कि आप रोज डायरी भरें और इस तरह के काम करें, हो सकता है कुछ लोगों को इंटरेस्ट हो लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं करेगा। बाद में एक नई टेक्निक आई जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मैचिंग टेक्निक, बाद में एक नई टेक्निक आई जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैचिंग टेक्निक। फ्रीक्वेंसी मैचिंग टेक्निक में क्या है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग टेक्निक में क्या है कि यहां पर क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता था जिसको आप पीपल मीटर भी कहते हैं, इसको आपके घर में इंस्टॉल कर दिया जाता था। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें जो इंस्टॉल किया जाता है वो विदाउट आपके परमिशन के नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे, चोरी छुपे कोई लगा ले दैट इज अ डिफरेंट टास्क, ये अलाउड नहीं है क्योंकि आपका अपना प्राइवेसी है कि आप किस तरह के चैनल्स देखना पसंद करते हैं, किस तरह की चीजें देखना पसंद करते हैं, गॉट इट, आपकी प्राइवेसी है। तो वही मैं कह रहा हूं कि पीपल मीटर इंस्टॉल किया जाता था किसी घर के अंदर एक सैंपल्स लेने के लिए
और जनरली चेक होता था कि फैमिली मेंबर्स किस तरह की चीजें देखना पसंद करते हैं, कितने मेंबर्स वगैरह, सारे इस तरह की चीजों के बारे में पता करने के लिए। गजट जो होता था इसमें व्यूअर्स का जो रोल होता था अब आपको फ्री रखते थे। अब इसमें आपको किसी भी तरह का कुछ भरने की जरूरत नहीं है या टेलीफोन कॉल आपको करने की जरूरत नहीं है, तो एक बेटर ऑप्शन हुआ जिसके थ्रू करते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, जानते हो क्या था? जो केबल ऑपरेटर से अगर आपको जब वो चैनल दिखाते थे तो केबल ऑपरेटर क्या करते थे, वो फ्रीक्वेंसीज बदल दिया करते थे। मैंने अभी आपको बोला कि जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह से जो चैनल्स आते थे वो फ्रीक्वेंसीज को जो केबल ऑपरेटर होते थे जिनसे चलकर आपके घर में टेलीविजन वगैरह के जो चैनल्स वगैरह आते थे वो क्या करते थे, फ्रीक्वेंसीज बदल देते थे। और फ्रीक्वेंसीज बदल देते थे तो चैनल्स की जो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो ऑथेंटिसिटी थी वो नहीं रह जाती थी, क्योंकि केबल ऑपरेटर अपने मनमाने ढंग से चैनल्स की फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा बहुत वो चेंज करते रहते थे। तो कहने का मतलब है कि जैसे मैंने अभी आपको आपको बोला कि इस तरह की फ्रीक्वेंसी मैचिंग टेक्निक के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था जो टेलीविजन सेट ओनर था, ठीक है, उसके साथ, और ये मस्ट होता था क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी है, आप किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये आपको करना पड़ता था। अब यहां पर होता क्या था कि जब फ्रीक्वेंसी मैचिंग टेक्निक्स का जब यूज किया गया टीआरपी के लिए, तो ठीक है, आप में एक पीपल मीटर लगाया गया, पीपल मीटर के साथ साथ जो आप डिवाइस लगाया गया उसके साथ साथ जो कंपनी थी वो आपको एक सेट टॉप बॉक्स भी देती थी, वो आपको एक सेट टॉप बॉक्स भी देती थी। और इस सेट टॉप बॉक्स में जो व्यूअर्स जो चीजें देखते थे या जो पसंद करते थे उसका जो इंफॉर्मेशन था वो कलेक्ट हो जाता था डेटा के फॉर्म में। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो उस सेट टॉप बॉक्स के अंदर डेटा के फॉर्म में सेव हो जाता था, जिससे कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता था कि कौन सी चीजें ये देखे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और हर फैमिली मेंबर को एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता था। जब वो टीवी देखते थे, जब वो खोलते थे, तो जब वो प्रेस करते थे उस बटन को जिस नंबर को वो यूज करते थे, वो जैसे सेट टॉप बॉक्स का नंबर समझ लीजिए, ऐसे समझ जाइए, उस नंबर के थ्रू वो चैनल्स वगैरह को एक्सेस करते थे, देखते थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात बताऊं, ये पीपल मीटर बहुत महंगा हुआ करता था, काफी कॉस्टली हुआ करता था, और ये दूसरी जगह से मंगाना पड़ता था, गॉट इट, जनरली, क्योंकि अब इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो इस तरह की चीजें इंडिया में नहीं थी, तो बाहर से मंगाना पड़ता था, ठीक है। कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी चैनल जो होते थे, जो फ्रीक्वेंसीज को रीड करने के लिए जो पीपल मीटर और जो सेट टॉप बॉक्स यूज किए जाते थे, जो हम यूज कर रहे थे, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। इसमें एक जो ड्रॉबैक था वो मैंने आपको साफ साफ बताया कि जो केबल ऑपरेटर्स थे, मैंने अभी आपको बोला है शुरुआत में इसके बारे में, वो फ्रीक्वेंटली जो फ्रीक्वेंसीज थे वो अलग अलग चैनल्स के लिए बदल दिया करते थे। जब वो कोई सिग्नल्स वगैरह भेजते थे तो वो फ्रीक्वेंसीज बदल देते थे। फ्रीक्वेंसीज बदल देने का मतलब क्या होता था कि उस फ्रीक्वेंसी पे अगर आपको कोई चैनल चल रहा है तो उस फ्रीक्वेंसी पे दूसरे चैनल को चलाकर और उस फ्रीक्वेंसी पे तीसरे को चला दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं जिस फ्रीक्वेंसी पर जो चैनल चलता था, अगर उस चैनल को दूसरी फ्रीक्वेंसी पे डाल दिया जाएगा तो ऑथेंटिसिटी कैसे रह जाएगी कि आप किस फ्रीक्वेंसी के चैनल को वहां पर देख रहे हैं। तो इस तरह की दिक्कतें थी जो उस समय बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक थे, तो इस तरह की कुछ गलतियां या कमियां हैं जो भी रही हैं। देखिए, इतनी सारी चीजें मैं आपको बताने के बाद अंत में जब कंक्लूजन दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा मैं इन चीजों को क्यों बता रहा हूं, या अगर मैं आपको अभी बोलना चाहूं तो आप खुद समझ सकते हैं कि सर फोन वाली तरीका अपना लो, या फिर आप डायरी भरने वाली चीजें ले लो, या फ्रीक्वेंसी मैचिंग वाली ले लो। तो हर जगह पे क्या हो रहा है कि एक तो डेटा सही नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक तो आप 100% एफिशिएंटली डेटा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आपको एक इंफॉर्मेशन जो है जो अभी तक ही समझ में आ गया होगा कि सर हर जगह पे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहे हैं, तो यानी जो भी टीआरपी की जा रही है वो बस की जा रही है लेकिन 100% ऑथेंटिक टीआरपी नहीं है इनमें से कोई भी, गॉट इट। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, एक और तरीका है जिसको टीआरपी के लिए यूज किया गया, पिक्चर मैचिंग टेक्निक। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा जो आपके टेलीविजन में आपके डिवाइस में जोड़ दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक्चुअल में करेगा क्या कि मैं आपको बताऊं, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होगा जनरली इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगा कि आपकी जो पिक्चर जो चल रही होगी ना, उस पिक्चर की छोटी सी रिकॉर्डिंग कर लेगा, जो भी वीडियोस वगैरह चलेगा छोटी सी उसकी रिकॉर्डिंग कर लेगा, और इस पिक्चर की रिकॉर्डिंग को फिर फ्रीक्वेंसी से मैच किया जाएगा। यानी यहां पर एक रिकॉर्डिंग की जाएगी
जो पीपल मीटर होगा जिसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कह रहे हैं, वो क्या करेगा, एक रिकॉर्ड करेगा एक छोटा सा पोर्शन किसी पिक्चर का जो आप देख रहे हैं, जो किसी पर्टिकुलर टेलीविजन सेट पर, ओके, और उसके बेसिस पर उस स्मॉल पिक्चर को क्या करेगा, उस किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पर वो पिक्चर आ रहा होगा, तो उस पिक्चर को के डेटा को कलेक्ट कर लिया जाएगा, सैंपल ले लिया जाएगा, जो छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग या पिक्चर रिकॉर्डिंग हो रही है, और इसको जहां पर मेन डेटा बैंक है, ओके, वहां पर भेजा जाएगा। ये आप नहीं करेंगे, सारा ऑटोमेटिक प्रोसेसर है जो पिक्चर मैचिंग टेक्निक करेगा, और वहां पर क्या करेगा, वो उस चैनल के नेम को, उस पर्टिकुलर एपिसोड को इंटरप्रेट कर लेगा, उसके बारे में जानकारी पता कर लेगा कि कौन सी चीज है ये, ठीक है। तो यहां से भी हम पिक्चर की रिकॉर्डिंग के द्वारा हम ये पता कर लेते हैं किस फ्रीक्वेंसी के चैनल को यहां पर देखा जा रहा है। एक और तरीका है, जीएसएम टेक्नोलॉजी भी यहां पर यूज की गई है, मैं आपको दिखाता हूं। जीएसएम मॉडम भी यूज किया गया है टीआरपी को चेक करने के लिए। जीएसएम मॉडम में क्या होगा, सीधी बात, यहां पर जीएसएम मॉडम लगा दिया जाएगा, लेकिन जीएसएम मॉडम जो भी लगाया जाएगा, यहां पर दिन में एक बार कॉल किया जाएगा आपके पास। अब मान लीजिए उस समय आपका फोन बिजी है या फोन नहीं लग रहा है, तो दोबारा कॉल किया जाएगा, तिबारा कॉल किया जाएगा। ये भी बड़ा पेनफुल है आपको, मैं बता रहा हूं। ये एक लास्ट जो तरीका है जिसमें हम लोग जीएसएम मॉडम की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। जीएसएम मॉडम में यहां पर एक टेली कंट्रोल यूनिट होता है जिसको जोड़ा जाता है। जीएसएम मॉडम में क्या होता है, एक टेली कंट्रोल यूनिट्स है जो आप टेलीविजन सेट के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, फाइन। इसमें करते क्या है, एक गैजेट स्टोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेटा वगैरह को सेंड करते हैं जीएसएम मॉडम के द्वारा। इस टेलीविजन में जो टेली कंट्रोल यूनिट्स होता है, इसमें एक जीएसएम मॉडम भी लगा होता है। अब जीएसएम वही जो मोबाइल फोन वगैरह इंडस्ट्रीज जो कंपनियां काम करती हैं, उस तरह का मॉडम लगा होता है। और क्या करते हैं, सेंट्रल यूनिट्स से उस घर में एक कॉल होता है हर दिन में एक बार, और ये पता करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, कि आप किस तरह की फ्रीक्वेंसीज, किस तरह के चैनल्स को आप देख रहे हैं, फाइन। और जहां जीएसएम मॉडम में जो डेटा सेव है वो आप उसको भेजते हैं, जो जीएसएम मॉडम में जो डेटा सेव है उसको आप भेजते हैं, ठीक है। उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश करते हैं कि आप कौन सा चैनल ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। और सुनिएगा इसके बारे में, लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला आपको कॉल नहीं गया पहली बार, तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, है ना, इस तरह से आपको कई बार ट्राई करना पड़ता है, कहीं पावर फेल्योर हो गया, ठीक है, डिसकनेक्शन हो गया इंटरनेट टेलीविजन का, या नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, इस तरह बहुत सारे लिमिटेशंस भी थे जो जीएसएम मोड टेक्नोलॉजी में थे। लेकिन अगर बोलूं तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेली व्यूअरशिप डेटा हमें पता चल जा रहा था, हर दिन पता चल रहा था, यहां कोई वीकली या कोई उस तरह के अपडेट्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन एक दिक्कत और थी, पता है क्या था, अगर मान लीजिए घर में आप कोई सीडी डिस्क चलाते हैं, मान लीजिए घर में कोई वीडियो गेम बच्चे खेलते हैं या कुछ भी है, तो इस तरह के डेटा भी वो सेव कर उसको भी भेज दिया करता था जीएसएम मॉडम के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन हैं जो कि मिल रहे थे। तो ये डिफरेंट तरीके के टेक्नोलॉजीज हैं जो दुनिया में टीआरपी चेक करने के लिए लाए गए। एक बार फिर से मैं आपको सारे नाम बता देता हूं जो आप अभी देख रहे थे स्क्रीन पर। दुनिया में 5 तरह की टेक्निक्स हैं जो लाई गई टीआरपी के लिए। एक तो टेलीफोन फैसिलिटी, डायरी सिस्टम, फ्रीक्वेंसी मैचिंग टेक्निक, इसके अलावा पिक्चर मैचिंग टेक्निक, इसके अलावा जीएसएम मॉडम बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी चीजों का उपयोग किया गया इन सारी टीआरपी को चेक करने के लिए। अब आते हैं थोड़ा इंडिया के रेफरेंस में भी बात करते हैं टीआरपी को लेकर। ये तो पूरी दुनिया में टीआरपी है, किस तरह से है, किस तरह से क्या क्या चीजें ली गई, आप कोई आपके साथ पैसा लेकर इन चीजों की सेटिंग कर रहा है, या आपको बोल रहा है भैया आप 400 रुपए ले लो, मेरे चैनल को देखा करो, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जरूर देखा करो, नहीं देखते हो तो टीवी चला लो, कॉरेट, नहीं देखते हो तो टीवी टेलीविजन चला लो, मैं आपको 400 रुपए हर महीने दिया करूंगा या 500 रुपए, तो दैट इज द वे टू प्रमोट इट। लेकिन यहां पर एक बात और बताऊं कि बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं इस टीआरपी में। अब ज्यादातर तो जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं अर्बन एरियाज से ले रहे हैं, गांव गांव के एरियाज में बहुत ज्यादा डेटा ले रहे हैं, और कुछ हजारों में 40,000-30,000 के आसपास लोगों में आपने क्या किया, मीटर लगा दिया है, ठीक है। तो अगर आपने मीटर लगा दिया तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पूरे इंडिया का डेटा है, गॉट इट। और नहीं, 40,000-30,000 के बेसिस पर आप कहते हैं कि मेरा जो चैनल है और मेरा जो प्रोग्राम है वो बेस्ट है, फाइन। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जितना ज्यादा नंबर पर आप जाएंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उतना ज्यादा आपको ऑथेंटिसिटी मिलेगी, ठीक है। अब बात होती है कि इंडिया में इसका कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे, इसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है,
ये जो चैनल्स हैं और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अक्सर कहते हैं सरकार से भाई आप इसका चैनल ऐसा कंट्रोल करो, डायरेक्ट करो या कुछ करो, तो उस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं इंडियन कंटेस्ट में क्या क्या चीजें हैं जो न्यूज में है। आइए बात करते हैं। ये टॉपिक बड़ा है इसलिए मैं इसे लाइव लेकर आया हूँ, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप से आप इन चीजों को सीधा इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, और इसके हिसाब से आप छोटा सा नोट्स इसको अपने पास हिफाजत से रखें। अगली बार फिर मैं आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ कनेक्ट होऊंगा, और अचानक ही कनेक्ट होऊंगा, इसलिए आप पूर्वांचल आईएएस के यूट्यूब पर और टेलीग्राम जो है हमारा उस पर जुड़े रहें, ताकि कभी भी लाइव हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। So, आइए बात करते हैं इंडियन कंटेस्ट में इन चीजों को कैसे लेकर हम देखते हैं। देखिए 1983 की बात है, इंडिया में जनरली जो शुरुआत हुई है पहली टाइम टेलीविजन रेटिंग की जो शुरुआत हुई है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1983 में, ओके, जिसके लिए इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो बना, और इस इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो ने, जिसको आप IMRB कह सकते हैं, इसने कंडक्ट किया टेलीविजन रेटिंग पहली बार इंडिया के अंदर। तो एज यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम रेटिंग जो हुई है इंडिया में 1983 में हुई है, ओके एवरीबॉडी। दूसरी बात आपको बताऊं तो IMRB ने जो रेटिंग भारत में शुरू किया था, जो पीछे हमने पांच तरीके अभी हमने देखे हैं, गॉट इट, आप उन्हीं तरीके में से देखेगा कि उन्होंने डायरी सिस्टम को अपनाया था सबसे पहले। अब डायरी सिस्टम क्या होता है, आप पीछे की वीडियोस अगर बीच में जुड़ रहे हैं तो सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुल 8 सिटीज में उन्होंने 3600 डायरीज जो थे डिस्ट्रीब्यूट किए, तो कहते भैया आप लोग ना नोट डाउन किया करो एटलीस्ट कि आपने क्या देखा, किस हिसाब से देखा, क्या क्या चीजें आपने देखी, तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग टेलीविजन व्यूअर्स के बारे में उसका इंटरेस्ट चेक कर पाएंगे, जिसके लिए हम लोग TRP जिसको बोलते हैं, ओके। जनरली उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक सीरियल आया करता था काफी पहले, रामायण, काफी पॉपुलैरिटी रही उसकी, और मेजर किया गया 80% ऑफ पॉपुलर एपिक, मतलब TRP उसकी काफी मैक्सिमम रही उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। इस बेसिस पर जो चीजें कैलकुलेट की गई, ओके, डायरी सिस्टम के बेस पर इंडिया में जब शुरुआत हुई, तो 1983 में नहीं हुआ, उसके आगे चलकर जब ये सारी चीजें आई तो रामायण वगैरह को काफी TRP मिली थी, तो एक उदाहरण के फॉर्म में रामायण यहां पर यूज किया जा रहा है। बाद में इवन 1991 में चलकर बहुत सारे प्राइवेट चैनल शुरुआत हुई इंडिया में, और उसकी भी TRP को मेजर करने के लिए देखिए डायरी मेथड है जो अपनाया गया। तो ये आपको दिख रहा है कि डायरी मेथड्स ही शुरुआत में भारत में यूज में लाए गए TRP के लिए। तो आपको एक डायरी मिल जाती थी चैनल्स की तरफ से, कंपनीज की तरफ से, और वो क्या करते थे, आपको भरना होता था जिस हिसाब से कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं, कितने समय के लिए देख रहे हैं, कितने फैमिली मेंबर देख रहे हैं, ये सारा डेटा आपको भरना होता था। तो ये इंडिया में इस तरीके से TRP मेजर करने का तरीका अपनाया गया। 1995 में देखिएगा हुआ क्या, IMRB जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, और ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप, मार्केट एंड रिसर्च ग्रुप यानी ORG और MERJ दोनों साथ साथ आए, और इन्होंने इंपोर्ट किया अमेरिका से पीपल मीटर, जिसको आप टेलीविजन में लगाते हैं। तो IMRB और ORG MERJ, जिसको ऑपरेटिंग रिसर्च ग्रुप, मार्केट एंड रिसर्च ग्रुप के नाम से जानते हैं, दोनों साथ मिलकर आए और इन्होंने पीपल मीटर को अमेरिका से इंपोर्ट करना शुरू किया। काफी महंगा है पीपल मीटर, आपको बताऊं उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में 70,000 रुपीज था एक पीपल मीटर की बात बता रहा हूं, 70,000 रुपीज एक पीपल मीटर का प्राइस था उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जब वो बाहर से इंपोर्ट किया गया। लेकिन कितने, शुरुआत में कुछ हजारों की संख्या में मीटर लगाए गए और लोगों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश की गई, शुरुआत में कुछ हजारों की संख्या में मीटर मंगाए गए जिससे लोगों के जानने की बात की गई इंटरेस्ट, लेकिन अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में नहीं, वो मैं बाद में बात करूंगा किस तरह के उसमें निगेटिव भी रहे हैं, फाइन। इवन आगे चलकर जो दुनिया में हम लोगों ने अभी AC नीलसन्स के बारे में बात किया था, एक कंपनी के बारे में, AC नीलसन्स याद होगा, जिसने सबसे पहले TRP वगैरह को पीपल मीटर्स के द्वारा चेक करने की कोशिश की। अब ये आपको मिलेगा इंडिया में नेक्स्ट ईयर, ठीक आगे अगले साल चलकर 96 के आसपास बात हो रही है, 1996 के आसपास, ओके नेक्स्ट ईयर नंबर वन रेटिंग कंपनी जो AC नीलसन है, जो जनरली TRP के लिए मीटर बनाया, पीपल मीटर जिसको बोलते हैं, फाइन, जो बड़ा पॉपुलर हुआ, वो IMRB के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है, उसकी पार्टनरशिप होती है किसके साथ, इंडियन कंपनी IMRB के साथ, जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, IMRB के साथ,
जिसने शुरुआत में डायरी सिस्टम के थ्रू टीआरपी मेजर करने की कोशिश की, उसके साथ इसका प्रॉपर डील होता है। ओके, और ये दोनों मिलकर इंडिया में एसी नीलसन और आईएमआरबी मिलकर टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट टैम स्टैब्लिश करते हैं। और आपको लिटरली बताऊं तो टैम ही है इंडिया में जो प्रॉपर तरीके से टीआरपी को मैनेज कर रहा है। इसके बाद और भी चीजें आई थी, लेकिन टीआरपी को मैनेज करने के लिए ज्यादातर परसेंटेज अगर देखें तो वो टैम ही है जो कंसीडर कर रहा है और टीआरपी को मेजर कर रहा है। आज टीआरपी मेजरमेंट करने के लिए इंडिया में सबसे बड़ा जो मेजरमेंट सिस्टम है, जो स्टैब्लिश है, जिसको एसी नेल्सन और आईएमआरबी मिलकर लाए हैं, उसका नाम है टैम। ये ध्यान रखेंगे आप, टैम का मतलब है टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट, आगे आपको मिल जाएगा। यही इंडिया में पूरा का पूरा टीआरपी मैनेज कर रहा है, सबसे बड़ी एजेंसी के फॉर्म में। अब 2000 में देखिए होता क्या है। 2000 में क्या होता है, जो टैम है वो ओवर इन टैम एंड एट प्रेजेंट लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी टैम इज फंक्शनल इंडिया। ये बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं, सबसे बड़ी लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी है जो टैम है, भारत में काम कर रही है। और ये किस तरीके से जो टैम है ये काम कर रहा है, देखिएगा ये क्या करता है, तीन तरीके से क्लाइंट्स के डेटा को देता है। तीन तरीके से जो क्लाइंट्स हैं, जो टेलीविजन वगैरह देते हैं, उसके डेटा को देता है। कैसे देता है, पहला देखिए कौन सा प्रोग्राम, विच प्रोग्राम्स यू लव टू सी। दूसरा, किस टाइम आप उस प्रोग्राम को देखना पसंद करते हैं। तीसरा, व्हाट इज हु इज वॉचिंग देम। यानी यहां पर आपको यह भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है, ठीक है, कि हु इज वॉचिंग देम। तो यहां पर आपको मिला विच प्रोग्राम, व्हाट टाइम एंड हु इज वॉचिंग देम, ये तीनों डेटा आपको मिल जाता है। क्योंकि अभी हमने आपको बोला कि सोशियो कल्चरल इंफॉर्मेशन भी आपको पता चलता है कि आप किस तरह की चीजें या एक्टिविटी टेलीविजन पर वॉच करना पसंद करते हैं, आपका मूड क्या है, आपके घर में किस तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाता है। तो टैम आपको इस तरीके से जानकारी देता है। अब देखिएगा टैम जो होता है वो वीकली रेटिंग देता है, ठीक है, टाइम जो है वो वीकली रेटिंग देता है। इसके लिए वो पीपल मीटर्स इंस्टॉल करता है, करीब इस 80 सिटीज में इसने पीपल मीटर इंस्टॉल किया था। इसकी मदद से टाइम ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया, किस एज ग्रुप के लोग टीवी देखना पसंद करते हैं, चैनल्स को किस सेक्स के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, इनकम क्या है लोगों की किस हिसाब से, और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द व्यूअर्स, ये सारी जानकारी टैम के रिपोर्ट से पता चल जाती है। मैंने अभी आपको शुरुआत में बोला था सोशियो इकोनॉमिकल ग्रोथ, कल्चरल एक्टिविटीज, आपको सारा कुछ यहां पर ऑब्जर्वेशन हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, असल में आपको बताऊं तो एक रेटिंग एनालाइजर सर्विस है, रेटिंग एनालाइजर एक सर्विस है, यह भी है RAS के नाम से, आप जान सकते हैं, जानते हैं इसको। यह क्या करता है, आवरली बेसिस पर आपको रेटिंग देता है किसी प्रोग्राम की। इसके इस सर्विस के द्वारा असल में क्या होता है, आपके एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प ली जाती है। ओके, फिलहाल रेटिंग एनालाइजर सर्विसेज जो है ये एक इस तरह की फैसिलिटी है जो आवरली रेटिंग देता है किसी प्रोग्राम की, जिसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन है जो आपको बताना बहुत जरूरी है ए मैप के बारे में। देखिए, ए मैप जिसका पूरा नाम है ऑडियंस मेजरमेंट एनालिटिक्स लिमिटेड, जो 2004 में स्थापित हुआ था। ऑडियंस मेजरमेंट एनालिटिक्स लिमिटेड, जो भारत में ए मैप स्थापित हुआ था, इसका मुख्य कार्य क्या है। जनरली ये बहुत ही यूनिक तरीका है जो ओवरनाइट टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट प्रणाली के साथ काम करता है, जो ओवरनाइट टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम के साथ काम करता है, एक ऐसी लेटेस्ट तकनीकी का यूज करता है जिसके द्वारा जो व्यूअरशिप डेटा है उसको टेली कंट्रोल यूनिट्स के साथ जोड़कर टेलीविजन सेट्स पर पता करने की कोशिश करता है। यानी कह लीजिए कि ये एक ए मैप सिस्टम है, ऑडियंस मेजरमेंट एनालिटिक्स लिमिटेड जो है ये जनरली क्या करता है, एक तरह से जो डेटा वगैरह को स्टोर किया जाता है, टेलीविजन में एक टेली कंट्रोल यूनिट्स होगा,
ठीक है, टेलीविजन सेट्स के साथ लगा दिया जाएगा और वहां पर जो भी व्यूअर्स आप टेलीविजन देखते हैं आपके डेटा को वहां पर स्टोर कर उसको जीएसएम मॉडम के द्वारा मेन डेटा ऑफिस भेज दिया जाएगा। उस डेटा ऑफिस में ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि आप किस तरह के चैनल्स को देखना पसंद करते हैं। मैंने भी आपको बोला था इंटरनेशनल लेवल पर जीएसएम मॉडम का भी यूज किया गया, तो ये कहीं ना कहीं ये मैप आप जीएसएम मॉडम के द्वारा भारत में क्या करता है, टीआरपी को पता करने की कोशिश करता है। अब आप समझ सकते हैं मैंने आपको क्यों शुरुआत में इस वीडियो में सबसे पहले सारे उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जो डेवलप किए गए टीआरपी को चेक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि भारत में ये मैप उसी जीएसएम मॉडम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है टीआरपी मेजर करने के लिए। ओके, और आगे बढ़ते हैं ए मैप के बाद। अब देखिएगा टीआरपी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं भारत में कि क्या जो हम टीआरपी मेजर करते हैं सच में वो ठीक है, ऑथेंटिक है, नहीं है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे भी दिमाग में हैं और आपके दिमाग में भी होंगे। एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को सुनने के बाद आप और ज्यादा इन चीजों को लेकर कंफर्म हो जाएंगे इसमें है क्या एक्चुअल में। तो सुनिएगा इसमें होता क्या है, मोस्ट ऑफ द सैंपल जो घरों से लिए जाते हैं वो अर्बन एरिया से लिए जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो टीआरपी के केस में अर्बन एरिया से आप डेटा ले रहे हैं आप गांव को कैसे अलग कर सकते हैं। आज तो गांव में भी लोग टेलीविजन बहुत देखते हैं, आज के संदर्भ में बात करते हैं। आज आपको बताऊं तो तकरीबन 70 अगर मान लीजिए 100 डेटा लिया जाता है तो आज 70% से ज्यादा डेटा अर्बन एरियाज में है और 30% उससे कम डेटा जो है वो रूरल एरियाज में है। ये गलत है, आपको दोनों को इक्वल वेटेज देना होगा। और दूसरी चीज आप कितने डेटा लेते ही हैं, कई हजारों में। अभी जो अर्णव गोस्वामी वाले केस में तकरीबन 40,000 से 46,000 के आसपास डेटा की बात हो रही थी, तो आप 40,000 से 46,000 लोग ही टेलीविजन देखते हैं पूरे इंडिया में। आप मुझे बताइए जिस शहर में ये इंस्टीट्यूट है पूर्वांचल आईएएस, यहां पे मैं आपको बताता हूं 46,000 से ज्यादा घरों में गोरखपुर और अगल बगल के कस्बे एरियाज में इससे ज्यादा लोग टेलीविजन, सिर्फ गोरखपुर की बात कर रहा हूं मैं जो यूपी में है एक जगह डिस्ट्रिक्ट। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो जो स्मॉल सैंपल लिया जा रहा है उससे हम पूरे भारतीयों के बारे में नहीं पता कर सकते हैं कि उनका टेस्ट क्या है, उनका मोड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सेकंड लॉजिक। तीसरा पॉइंट, दूरदर्शन अपना टीआरपी पता करने के लिए एक नया ही तरीका अपनाता है, एक नया ही राग है इनका कि हम डायरी सिस्टम को यूज करेंगे। देखिए लिखा है डार्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपना ही रेटिंग सिस्टम लेकर आया है दूरदर्शन, बोलते हैं डाट। डाट का मतलब है दूरदर्शन ऑडियंस रेटिंग। इसके लिए डायरी बेस्ड सिस्टम को यूज करते हैं और डायरी बेस्ड सिस्टम भी आपको पूरी कहानी की शुरुआत में मैंने बता दिया है व्हाट इज डायरी बेस्ड सिस्टम, यू पीपल अंडरस्टूड। अगली बात करते हैं मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल्स। इधर आइए, मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल एमआरयूसी। ओके, ये जो है इसके हिसाब से मैं आपको बताऊं तो टैम रिसर्च ज्योग्राफिकल कवर्स ओनली 38% ऑफ इंडिया विच इज लेसर देन द वेस्टर्न कंट्रीज। तो आपको खुद दिख रहा है कि टैम एमआरयूसी टैम रिसर्च ज्योग्राफिकली कवर एरियाज, यानी जो टैम है जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टीआरपी को मेजर करने के लिए काम कर रहा है, ये सिर्फ अराउंड 38% ही एरिया को कवर कर रहा है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से काफी हद तक कम है। यानी आप कम लेवल पर टीआरपी मेजर करके कैसे कह सकते हैं कि ये पूरे इंडिया का टेस्ट है, इन चैनल्स को देखने के लिए लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं आप नहीं कह सकते हैं। अगला टॉपिक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहीं पर, टैम रिसर्च डज नॉट इंस्टॉल इट्स पीपल मीटर इन होटल्स। जबकि आप देखिए होटल हो, कोई यूनिवर्सिटी कैंपस हो, ऑफिसेज हो, क्लब्स हो, यहां पर लोग डिफरेंट तरह के क्रिकेट चैनल देखना पसंद करते हैं। किसी क्लब में लोग बैठकर, अब जैसे आईपीएल मैच होता है तो किसी क्लब में किसी होटल में बड़ी सी स्क्रीन हो जाती है, लोग वहां बैठकर देखते हैं। तो ये आप वहां पर तो इस तरह की चीजें आप मेजर करते नहीं है, और वहां पर भी बल्क लेवल पर लोग होते हैं जहां पर किसी ना किसी बिजनेस चैनल को भी देखना पसंद करते हैं, तो वहां पर भी तो आपको टीआरपी पता करनी चाहिए। तो ये एक अगला क्वेश्चन बनता है कि इन एरियाज में टैम रिसर्च नहीं किए जा रहे हैं टीआरपी को मेजर करने के लिए।
ओके और एक बात और मैं बताऊं, आज घरों में ऐसा नहीं कि एक ही टेलीविजन है, एक से ज्यादा टेलीविजन सेट्स भी हैं। तो ये कैसे पता कर सकते हैं कि घर के अंदर सारे मेंबर्स का क्या फ्लेवर है, किसी चैनल पर कुछ, किसी टीवी पर और किसी दूसरे टीवी पर कुछ और लोग देख रहे हैं। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि इससे कितनी ऑथेंटिसिटी है टीआरपी की, इस बारे में कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन टीआरपी को लेकर देखिएगा, कितने क्वेश्चन से आप समझिएगा। आज का जो प्रेजेंट रेटिंग सिस्टम है टीआरपी को लेकर, वो व्यूअर्स को चेक करता है। वो व्यूअर्स कितने हैं, काउंटिंग द व्यूअर्स, कितने व्यूअर्स हैं जो किसी टीवी को देखना पसंद कर रहे हैं, ना कि किसी प्रोग्राम्स को, कितना उस प्रोग्राम पर लोग कंसंट्रेट हैं, यानी नंबर ऑफ व्यूअर्स के हिसाब से टीआरपी बन रही है, ना कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स के हिसाब से, क्वांटिटी ऑफ प्रोग्राम के हिसाब से। तो नंबर ऑफ व्यूअर्स से ऑथेंटिसिटी कैसे हो सकती है? आप स्पेसिफिक प्रोग्राम के बेस पर ऑथेंटिसिटी बनाएंगे, किस प्रोग्राम्स को लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो एक ये भी कमी है टीआरपी को लेते हुए इंडिया में, जो यहां पर ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिल रही है। इसके अलावा कुछ और चीजें आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो भारत में जो इशू हुआ है, उस बात को भी मैं लास्ट में लेकर आया हूं, लेकिन इस पूरे डिबेट को मैंने टीआरपी पर ही सीमित रखा है कि अगर टीआरपी और इसके इश्यूज को लेकर आपके मेंस परीक्षा में क्वेश्चन आता है, तो इस पूरे नोट्स के बेसिस पर आपका पूरा नोट्स तैयार है। और इस पूरे नोट्स को मैंने, एक पेपर है जो इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने पेपर पब्लिश किया है जनरस में, उन्हीं के पेपर्स में से जो काम की चीजें थी उसकी रिसर्च R&D कर जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता उसी टॉपिक्स को लेकर मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो एक इंटरनेशनल पेपर है जो इंडियन साइंटिस्ट ने पब्लिश किया है, ओके, उसके आधार पर जो ऑथेंटिसिटी सी और जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, उन टॉपिक्स को टीआरपी के इश्यूज से जुड़े हुए पहलुओं के सारे डायमेंशंस को भारत के साथ जोड़कर मैं आपको यह टॉपिक करा रहा हूं या आज करा चुका हूं। यह लास्ट एक और पीपीटी है, छोटा सा एक पॉइंट है, इसे भी देख लेते हैं। एक बात और बताऊं कि मेनी टाइम्स चैनल्स जो हैं वो मिस इंटरप्रेट करते हैं टीआरपी को लेकर, वो टीआरपी को अपने फेवर में बताते हैं। मैं अभी पब्लिक टीवी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इस हमाम में सब नंगे हैं, ठीक है, हर आदमी जल्दी से जल्दी बहुत ऊपर बढ़ना चाहता है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो और चाहे वो कोई आम जनता हो, वो गलत काम करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करती है। इस बारे में हम लोग बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आप खुद जानते हैं, हो सकता है आप खुद इसके उदाहरण हो, ठीक है। तो एक तो असल में होता है कि आपको बताऊं, क्योंकि जिस प्रोग्राम्स की चैनल और जिस प्रोग्राम, दो नाम मैं कहता हूं, पहले तो मैं चैनल बोलता हूं और फिर उस चैनल पर आने वाले प्रोग्राम की बात करता हूं। जिस चैनल की और जिस चैनल पर जिस प्रोग्राम की टीआरपी सबसे ज्यादा होगी, उस पर एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट सबसे ज्यादा होगा, उस चैनल को सबसे ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तो 400 रुपये अगर एक घर वाले को बोल दिया जाए, आप टीवी खोलकर उस चैनल को खोलकर छोड़ दीजिए, 400 रुपये आपको महीने दिए जाएंगे, ठीक है, या कुछ ऐसा, तो ठीक है, दूसरी टीवी अपने मनपसंद कोई प्रोग्राम देख कुछ भी देखे, तो ये कहीं ना कहीं उस चैनल के, उस प्रोग्राम की टीआरपी बढ़ाने के लिए कोशिश हो रही है, ठीक है। दूसरा, यहां पर आप मुझे बताइए कि क्रेडिबिलिटी कैसे होगी भारत में, इस चीजों को लेके क्रेडिबिलिटी कैसे होगी, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, हॉटर टॉपिक है आज के रेफरेंस में चैनल्स को लेते हुए। अगर इस तरीके से, गलत तरीके से हम टीआरपी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात आपको बताऊं तो गवर्नमेंट भी इसमें किसी भी तरह का कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है इस तरह की चीजों में। गवर्नमेंट भी कोई बहुत ज्यादा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इस तरह की चीजें टीआरपी को मैनेज करने के लिए नहीं लाया है। 2007 में क्या हुआ है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में, जो ऑल थ्री स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेगा, एडवर्टाइजर्स के साथ, एड एजेंसीज के साथ और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। देखिए, कुछ ना कुछ कोशिश हुई है, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इस तरह की चीजें नहीं लाई गई हैं प्रॉपर तरीके से। इवन आपको बताऊं, मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल्स भी लाया गया, जो इस तरह की चीजों को काफी हद तक ट्रांसपेरेंट रखने के लिए लाया गया। 1994 में इसकी स्थापना हुई, मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल को, कि कहीं ना कहीं टीआरपी को फेयर बनाने की कोशिश की जाए। और ये
मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल जो है एक तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में सेटअप किया गया, क्योंकि नहीं तो यह भी कहीं ना कहीं पैसे वगैरह के लेन देन में लिप्त हो जाएगा। तो आज भारत में अगर हम बात करूं टीआरपी को मैनेज करने के लिए क्या है जो गवर्नमेंट की साइड से हो रहा है, तो पहले मैं बोलूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता आया है। इन्होंने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल एस्टैब्लिश किया है 2007 में। तीन स्टेक होल्डर्स के बेसिस पर यह पूरा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, एडवर्टाइजर्स की मदद से, एड एजेंसीज की मदद से और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। और तीसरा जो मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल्स है जो काम कर रहा है रेटिंग बिजनेसेस वगैरह को काफी हद तक ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फॉलो कर रहा है, जिसकी स्थापना 1994 में एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो पहलू था टीआरपी को लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने आपको करा दिया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप पूरी तरीके से तैयार रखेंगे यूपीएससी 2020 के मेंस के पेपर के लिए, और साथ साथ यूपीपीएससी का भी 2020 का जो मेंस होगा उसके लिए टॉपिक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। इस पर एक अच्छा सा आरएनडी कर मैंने आपको करा दिया। फिर मैं बता रहा हूं यहां जितने भी टॉपिक्स मैंने लिए हैं, एक इंडियन एक जनरल है, एक जनरल्स है जो पब्लिश हुआ है, उसमें एक इंडियन साइंटिस्ट है, उनके ही जो भी पेपर उनके पब्लिश हुए हैं उसी की सारी आरएनडी कर मैं आपके सामने एक छोटा सा नोट्स बनाकर उसके डिस्कशन यहां पर कर रहा हूं। सो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए काफी हद तक फायदेमंद होगा। अब मैं आपकी क्वेरीज कुछ देखता हूं, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो उसके आंसर्स लेता हूं। आपके किसी भी तरह के किसी भी चैट का मैंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है, सो लेट अस सी योर मैसेजेस अगर आपके कोई हैं। इन वीडियोस को आप देख लें और आगे भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे तो मैं उसकी चर्चा आपके साथ करता रहूंगा। बाकी पूर्वांचल आईएएस के यूट्यूब पर रोज ही करंट अफेयर्स के 2-4 वीडियोस हैं जो अपलोड हो रहे हैं और उसकी सारी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर पूर्वांचल आईएएस पे डाल दी जाती है, आप वहां जुड़े रहें लेते रहें। और अगली बार फिर अचानक एक सरप्राइजिंग लेक्चर के फॉर्म में किसी नए वीडियोस को लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा कुछ नया इश्यूज लेकर जो आपके मेंस के एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करेगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी, आपके क्वेश्चंस हैं, मैं 5 मिनट आपके क्वेश्चंस लेता हूं किस तरह के हैं, बाकी फिर आपसे आगे मिलेंगे। कुणाल का क्वेश्चन है, ईश्वर मैं एनवायरनमेंट के कुछ मेंस के टॉपिक्स लेकर यहाँ पर आऊँगा, उसे डिस्कशन करूँगा, ठीक है। बाकी मैंने बोला है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप पूर्वांचल इस ऐप से कोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होंगे वो हम आपको कराएंगे यहाँ पर। धीरे धीरे कुछ महत्वपूर्ण इशूज जो होंगे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा। ओके ईश्वर, कुणाल का क्वेश्चन है मेंस एग्जाम्स के लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जाम। कुणाल देखिए, मेंस के लिए सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स के प्रीलिम्स निकल रहे हैं या नहीं भी निकल रहे हैं, आपको पहले ही बता दूं कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप ठीक से तैयार कर लें। एक तो अपना ऑप्शनल, इस समय डोंट वेस्ट योर टाइम ऑप्शनल, दूसरा एक एसे और तीसरा एथिक्स। ये ऐसे पेपर हैं जो एक बार आप तैयार कर लेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए बेहतर रहेगा। और आप किसी भी कैंडिडेट्स को देखिए जो यूपीएससी सेलेक्ट होता है या यूपीपीएससी सेलेक्ट होता है, वो इन पेपर में स्कोर बहुत करता है। तो ये तीन सब्जेक्ट आप सबसे पहले अच्छा कर लें, ऑप्शनल, एसे और एथिक्स। ओके, ये एक फॉर्मूला है यूपीएससी या यूपीपीएससी को सेलेक्ट करने के लिए, आपका ऑप्शनल, आपका एसे और एथिक्स पेपर, इन तीनों को सबसे बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर लें, यही आपको अच्छे तरीके से सिलेक्शन दिलाने वाला, आपकी रैंकिंग बनाने वाला है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, ये आप थोड़े दिन रुक जाइए, इसमें आप धीरे धीरे चीजों को सब्जेक्ट वाइज चलते रहिए, ठीक है, पॉलिटी उठा लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए, ज्योग्राफी उठा लीजिए, इस तरह के टॉपिक्स को लेकर चलिए, लेकिन सबसे पहले आप इन सब्जेक्ट को फोकस जरूर कीजिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, सो मेरे हिसाब से आपके पास कोई क्वेरीज नहीं है, जो मुझे एक क्वेरीज मिला मैंने आपको बता दिया। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, अगले वीडियोस में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक्स के साथ, जिस पर छोटी सी आरएनडी कर मैं फिर उस पर बात करूंगा।
अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। हैव अ गुड डे, बाय।